हाय एवरीवन, दिस इज किमी। आप देख रहे हैं आपके सितारे किमी के साथ। आज है 10 जुलाई और आज के राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 10:36 से लेकर 10:45 तक, और जो आज का राहु काल है वो रहेगा 12:26 से लेकर 2:10 तक। तो ये था पंचांग। अब हम बात करेंगे ड्रीम्स में, सपनों में जब भी आप चांद को देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आप ये देखते हैं कि आप जाम खा रहे हैं, दैट शोज कि आपकी लाइफ में लग्जरीज आएंगी, बहुत ज़्यादा मिठास, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आप यही देखते हैं कि आपने ब्रेड पे जैम लगाई है, दैट शोज कि आपके जो एक्शंस हैं, जो आप चीज़ें अपने लिए कर रहे हैं, बहुत ही ठीक रास्ते पे आप जा रहे हो। अगर वही आप देखते हैं कि आप जैम बना रहे हो, यू आर मेकिंग द जैम, दैट शोज कि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए, लग्जरीज को लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आप ये देखते हैं कोई छोटा बच्चा जैम खा रहा है, दैट शोज कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। और वहीं अगर आप ये देखते हैं कि जो जैम है दैट इज़ ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आपकी जैम है, दैट शोज कि आपकी लाइफ में आपका नेटवर्क बढ़ेगा, लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और वहीं अगर आप देखते हैं कि जो जैम है उसका फ्लेवर प्लम है, दैट शोज कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा अपनी पोजिशन को अच्छा करने के लिए। तो ये थे ड्रीम एनालिसिस ऑन जैम। अब हम बात करते हैं पहली 6 राशियों की, उनका आज का दिन कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले बारी आती है एरिस की। जो मेष राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप बहुत ज़्यादा खोए खोए रहेंगे, आप अपनी सेंसेस में इतना नहीं रहेंगे, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, लोगों की नेगेटिव बातों को आप दिल पे बहुत ज़्यादा लेंगे, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रास्ते पे जाते जाते रुक सकते हैं, या अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें करते करते रुक सकते हैं। आपके आसपास आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट द थिंग इज़ दिस कि आपका दिमाग वहाँ पर नहीं है, तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देना है और पॉजिटिव होना पड़ेगा। और आपका लकी कलर आज के दिन रहेगा ब्राउन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉरियंस की। जो वृष राशि वाले लोग हैं, आज के दिन जो आपकी जो है स्ट्रगल थोड़ी सी बढ़ेगी, चीज़ें इतनी अच्छे से आपके काबू में नहीं आएंगी या मैनेज नहीं हो पाएंगे, मीन्स चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और पैसों से रिलेटेड आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स चल सकती हैं, या कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए वहाँ पर पैसे आपके स्टक हो सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आपका लकी कलर आज के दिन रहेगा येलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जो जेमिनाइज है, आज के दिन आपको थोड़ा सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, लोग जो गलत हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी, मतलब आपको ये लगता है जो आपके आसपास लोग गलत हैं वो उनको थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आने वाले टाइम में नो डाउट जो अनवांटेड लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, बट नाउ यू हैव टू बी अ पेशेंट। और आपका जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा रेड। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं कैंसेरियंस की। जो कर्क राशि वाले लोग हैं, आज के दिन पैसों को लेके आप इतना ज़्यादा डेडिकेटेड या इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रहेंगे, पैसे लुटा सकते हैं, फालतू के खर्च आप कर सकते हैं जिसके आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको चाहिए अपने पैसे को संभाल के ध्यान से रखें, और कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है, आप उन चीज़ों को मिस कर सकते हैं, बिकॉज आपका ध्यान ही आज नहीं है, ध्यान ही आपका कहीं और रहेगा, छुट्टी के मूड में रहेगा, या चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। रिलेशनशिप पे ध्यान दें, बिकॉज आपके सिबलिंग्स के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आपका लकी कलर रहेगा ग्रीन। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं लियोस की। जो सिंह राशि वाले लोग हैं, आज के लोगों की सपोर्ट नहीं रहेगी, इतने लोगों पे आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, बट द थिंग इज़ दिस, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अगर जितना नेगेटिव होंगे उतना ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, अपने पार्टनर से अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ से कहीं ना कहीं से आपका कोई ना कोई तरीके से रास्ता निकल आएगा, तो आपकी बातें दिल में ना रखें, अपने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आए, करेज लेके आए। और आपका लकी कलर रहेगा रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गोस की। जो कन्या राशि वाले लोग हैं, आज के दिन आप लोगों को ढिंढोरा पीट पीट के बताएंगे कि आपको सक्सेस मिली है या आपके काम बन रहे हैं, मीन्स आज के दिन आप कुछ भी अपने पेट में नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, नए फ्रेंड्स बनेंगे, बट आपको अपनी चीज़ें अपने दिल में रखनी चाहिए। और आपका लकी कलर आज के दिन रहेगा ऑरेंज। तो ये था पहली 6 राशियों का राशिफल। अब हम बात करते हैं जिनका है बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा, और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और आपकी एडवाइस क्या आती है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बिकॉज ऑफ यू ओनली, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लेंगे।
अगर हम बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, लोगों की आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, कुछ नया करेंगे, जॉब में भी आपको प्रमोशंस मिलेंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए साल थोड़ा सा टफ हो सकता है, बिकॉज आप अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे, आप अपना स्टडीज़ पे टाइम नहीं देंगे। और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी, मैरिड लाइफ में आपको खुशियाँ मिलने वाली है, अपने पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी, इनफैक्ट आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी। और आपके लिए एडवाइस ये आ रही है, थोड़ा सा सीक्रेटिव बने। तो ये था जिनका है बर्थडे और जिनकी है मैरिज एनिवर्सरी। अब हम बात करते हैं बाकी की 6 राशियों की, उनका आज का दिन कैसा रहेगा। चलिए बात करते हैं लिब्रंस की, जो तुला राशि वाले लोग हैं। आज के दिन आपको चाहिए कि लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, बिकॉज अपने फ्यूचर को देखें, अपने प्रेजेंट को देखें। अगर आप अपना फ्यूचर संवारना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंट को ठीक रखें। पुरानी बातों में जितना रहेंगे उतनी आपके लिए दिक्कतें आएंगी। तो आपको जो एक नया सर्कल बिल्ड करें, नए लोगों से मिले, तभी आपको सक्सेस, जो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और आपका लकी कलर आज के दिन रहेगा व्हाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं। आज के दिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके रिलेटिव्स आपको मिलने आ सकते हैं, विजिट करेंगे, कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, कुछ नया वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं, नए रिलेशनशिप आपके बनेंगे, एंड इट्स अ फैंटास्टिक डे टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। और आपका लकी कलर आज के दिन रहेगा सी ग्रीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेजिटेरियंस की, देखते हैं कैसा है आपका दिन। जो धनु राशि वाले लोग हैं, आज के आपको सक्सेस मिलेगी, आपके आपकी काबिलियत को, आपके टैलेंट को लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रमोशंस आज के दिन मिल सकती हैं, और आपकी मेहनत जो है आज के दिन आपको उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, और आपका लकी कलर आज के दिन रहेगा बीच। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जो कैप्रिकॉर्न्स हैं। आज के दिन आपको लोगों की सपोर्ट मिलेगी, लोगों की हेल्प मिलेगी, कुछ अगर नया बड़ा करना चाहते तो लोगों से मिले। जितना आप लोगों से मिलेंगे उतनी ही आपकी हेल्प मिले, आपको अच्छा रहेगा, लोगों से हेल्प मिलेगी। और इनफैक्ट अगर आप जितना आप घर से बाहर निकलेंगे उतना ही आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। तो आपका लकी कलर आज के दिन रहेगा मैरून। चलिए नेक्स्ट पारी आती है एक्वेरियंस की, देखते हैं आपका कैसा रहेगा दिन। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, आज के दिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आपसे और कम होंगी, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालेंगे। और आपका लकी कलर आज के दिन रहेगा पिंक। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पाइसेस का, देखते हैं आज का दिन कैसा है। पार्टनरशिप के लिए ये दिन बहुत ही मैं कह सकती हूँ ख़राब रहेगा। पार्टनर अगर आपके ऑलरेडी कोई पार्टनर है तो उनसे बड़े आराम से प्यार से डील करें, तो नई पार्टनरशिप में बिल्कुल भी एंटर ना करें। तो अगर आज के दिन आपकी कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है बहुत ध्यान से करें। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में अगर आप जाना चाहते हैं या किसी रिश्ते के लिए कोई बात चले, एकदम से हाँ ना करें, सोच समझ के आप हाँ करें। और आपका लकी कलर रहेगा ब्लैक। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। कल का राशिफल जानने के लिए जुड़े रहें आपके सितारे किमी के साथ। थैंक यू।